दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों स्वागत है आपका एक्स मनाना यूट्यूब चैनल में और आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे रेडमी नोट 5 प्रो को अनलॉक करके अनलॉक टूल से। तो मैं वो बता दूं कि ये जो मोबाइल है डायरेक्टली अगर आप इसे अनलॉक करेंगे ईडीएल मोड में क्वालकॉम टूल में तो अनलॉक नहीं होगा। इसके लिए आपको एक छोटा सा FRP फाइल डाउनलोड करना होगा। गूगल में आपको लिखना है MI अकाउंट FRP फाइल, इतना लिखेंगे तो ऊपर में आपको बहुत सारा लिंक मिल जाएगा, किसी भी लिंक से क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला वाला लिंक पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद हमें यहाँ पे जो FRP और MI अकाउंट का जो फाइल है छोटा सा, कुछ KB का फाइल होता है, ये फाइल कुछ MB में भी नहीं है बल्कि KB में है, ठीक है। यानी अगर आप इस फाइल को डाउनलोड करते हैं तुरंत डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो जिस मॉडल का भी आपको फाइल डाउनलोड करना है यहाँ से आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आपको गूगल में सिर्फ ये लिखना है MI अकाउंट FRP रिसेट फाइल, ठीक है। तो ये लिंक मिल जाएगा आपको, इस लिंक पे आकर के आप कोई भी मॉडल का जो फाइल यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं FRP फाइल। तो यहाँ पे हमें अभी Redmi Note 5 Pro को अनलॉक करना है, तो Redmi Note 5 Pro का फाइल डाउनलोड करना है। और मैं आपको एक बात यहाँ पे ये बता दूं कि जो मॉडल है आपका MI का सेम उसी मॉडल का ही फाइल आपको डाउनलोड करना है। किसी अदर मोबाइल का अगर फाइल अदर मॉडल का अगर आप फाइल डाल देते हैं, फ्लैश कर देते हैं मोबाइल में, तो उसका IMEI नंबर जो है करप्ट हो सकता है। इसलिए आपको मॉडल जो है परफेक्ट पता होना चाहिए कि आपके पास जो मोबाइल आया है जिसमें MI अकाउंट लगा हुआ है वो मोबाइल परफेक्ट वही मॉडल है जो या कोई अदर मॉडल है। तो मॉडल का पहले पता करें फिर आप जो फाइल उसमें डालें, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास जो है Redmi Note 5 Pro है, तो मुझे इस फाइल का इस मॉडल का फाइल डाउनलोड करना है। यहाँ पे सामने मुझे मिल चुका है Redmi Note 5 Pro, तो इस फाइल को हम डाउनलोड करेंगे। ये कुछ KB का फाइल है, क्लिक करते ही तुरंत डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो इस फाइल को डाउनलोड करके आपको डेस्कटॉप पर लाना है। डेस्कटॉप पर लाने के बाद उस फाइल को आपको उसे डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट करना है आपको, ठीक है, तभी आपको टूल में यूज करना है। चलिए मैं आपको दिखाते हैं, यहाँ पे ये फाइल डाउनलोड हो चुका है और इसे हम डेस्कटॉप पर लेकर के जाएंगे अभी। ये रहा सामने फाइल, ठीक है। इस फाइल को हम डेस्कटॉप पर लेकर के जाएंगे, उसके बाद उस फाइल को हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे। आप यहाँ पे देखते हैं डेस्कटॉप पे मैंने फाइल लाया और इसे हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो ये फोल्डर इसका आएगा उस फोल्डर से हम उसे यूज करेंगे। तो फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुका है, डेस्कटॉप पर आ चुका है। चलिए हम आप चलते हैं टूल में। तो अनलॉक टूल मैंने पहले से जो है ओपन किया हुआ है डेस्कटॉप पर। मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे कैसे मॉडल सेलेक्ट करना है आपको, कैसे फाइल सेलेक्ट करना है आपको। तो MI वाले ऑप्शन जो है उसी पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ नीचे में सर्वर का ऑप्शन है, इस पर चेक लगाना है और यहाँ से मॉडल सेलेक्ट करना है आपको। तो जो मॉडल जो है परफेक्ट मॉडल आपके पास उसी मॉडल का मॉडल को ही सिलेक्ट करना है और फाइल भी सेम टू सेम वही होना चाहिए। अब मान के चलिए आपने जो है कोई अदर फाइल डाउनलोड कर लिया, ठीक है, अदर मॉडल का और डालेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, IMEI नंबर जो है उड़ सकता है। तो आपको सही मॉडल सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे Redmi Note 5 Pro जो मॉडल है वो कहाँ पर है। ये हमें मिल चुका है Redmi Note 5 Pro, मॉडल मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे नीचे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक फोल्डर का जो आइकन है इस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ से फाइल सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो फाइल हमारे डेस्कटॉप पे पड़ा है, डेस्कटॉप पे मैंने क्लिक किया और Redmi नाम से फाइल है तो मुझे यहाँ पे कीबोर्ड में R प्रेस करना होगा। जैसे मैंने R प्रेस किया, आप यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आप फाइल आ चुका है। फाइल पे हम डबल क्लिक करेंगे, क्लिक करते रहेंगे इस पर, ठीक है, बारी बारी से जब तक कि यह अंत ना हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है। नीचे में यहाँ पे एक ऑप्शन है लोड, लोड पर हम क्लिक करेंगे। लोड पर क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली फाइल यहां पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, मोबाइल को ईडीएल मोड में लगाना है टेस्टिंग पॉइंट शॉर्ट करके। उसके बाद हमें यहां पे फ्लैश वाले बटन पे क्लिक कर देना है, मोबाइल को फ्लैश करना है। कुछ ही देर में ये मोबाइल अभी यहां से फ्लैश हो जाएगा और इसका MI अकाउंट प्लस गूगल अकाउंट दोनों ही रिमूव हो जाएगा। और फिर मैं आपको एक बात और बता दूं, यहां पे फिर से बताता हूं आपको मैं कि अगर आप गलत फाइल डालते हैं, मॉडल कुछ और है, फाइल कुछ और डाल रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका MI नंबर उड़ जाएगा। तो पहले आप परफेक्ट मॉडल पता कर लें तभी आप ये काम करें, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।